एंड जैसे जैसे फिर हरिलाल गांधी बड़ा होता जाता है, उसकी जो एल्कोहल की एडिक्शन है वो भी बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। वेलकम टू माई चैनल प्राइम लिटरेचर। टूडे वी डिस्कस अबाउट सन ऑफ महात्मा गांधी एंड कस्तूरबा, एंड ही वॉज बॉर्न 1888 एंड डाइड एट द एज ऑफ 60, राइट? 60 की एज में उनकी डेथ हो चुकी थी। हिज नेम वॉज हरिलाल गांधी। He was married to Gulab Gandhi and his other brothers are Devdas, Manilal and Ramdas. गांधी जी का जो ये बेटा था ये अपने विचारों पे चलने वाला था। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हरिलाल है वो हमेशा अपने फादर के थॉट्स को रिजेक्ट कर देता था। हरिलाल की किसी तरह की पेरेंटियल केयर भी नहीं हुई थी, ओके? जैसे कि हम सब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स कैसे हमारी केयर करने के लिए तैयार रहते थे उस समय, तो वो सब लव एंड केयर हरिलाल गांधी को नहीं मिला था। एंड जैसे जैसे फिर हरिलाल गांधी बड़ा होता जाता है, उसकी जो एल्कोहल की एडिक्शन है वो भी बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। फिर गांधी जी हरिलाल को साउथ अफ्रीका आने के लिए कहते हैं और ये बोलते हैं कि तुम आकर अब फोनिक्स आश्रम ज्वाइन कर लो। तो हरिलाल जो है वो फोनिक्स आश्रम आ जाता है साउथ अफ्रीका और फिर अपनी सिंपल लाइफ जीने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वापस से उसको वो पुरानी हैबिट्स याद आती है और वो वापस से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और 1911 में वापस से इंडिया आकर एल्कोहल कंज्यूम करने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली ही वॉज अरेस्टेड सेवरल टाइम्स। एक बार क्या होता है ना, हरिलाल जो है वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है, बट कस्तूरबा के कहने पर, उसकी मदर के कहने पर, जो हरिलाल है वो वापस से हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड कुछ साल बाद फिर गांधी जी की डेथ होती है और उसके बाद जो हरिलाल है उनका बिहेवियर जो है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। वो एकदम सैड हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और कुछ समय बाद फिर हरिलाल की भी डेथ हो जाती है आफ्टर 4 months ऑफ गांधी जी डेथ। गांधी जी जो है वो हरिलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए हरिलाल को कभी भी एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली हरिलाल डिड नॉट पास इन 10th। हरिलाल जो है वो अपने फादर को बिना बताए शादी कर लेता है एंड हरिलाल की वाइफ का नाम होता है गुलाब। हरिलाल को हमेशा से अपनी पसंद की लाइफ जीना अच्छा लगता था और इसी वजह से वो फोनिक्स आश्रम में फिट नहीं हुआ। और कई बार क्या होता था ना, हरिलाल जो है वो अपनी वाइफ से भी एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करने लगता था और इसी वजह से उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी अपने मदर के घर पे। एंड यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि हरिलाल की वाइफ जो है उनकी भी कुछ समय बाद फ्लू की वजह से डेथ हो जाती है। एंड हरिलाल के टोटल 3 sons थे, कांतिलाल, रसिकलाल, शांतिलाल। और इस पूरे वीडियो में जो भी हरिलाल और महात्मा गांधी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी जी जो है वो नेशन के लिए काम करते थे और इसी वजह से वो कभी भी हरिलाल को टाइम नहीं दे पाए। हियर द वीडियो एंड्स। होप यू गाइज लव इट। फॉर मोर लिटरेचर कॉन्टेंट प्लीज सब्सक्राइब टू प्राइम लिटरेचर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट।